आपके सामने पेश की गई इन किस्त में हम इद्दत में निकाह के सिलसिले में शरीय हुक्म क्या है इस पर बात करेंगे इस पर गुफ्तु करेंगे सबसे पहली चीज़ इद्दत क्या शह है इद्दत क्या होती है निकाह और फिर तलाक यह हर कोई जानता है अलबत् यहाँ समझना ये है कि निकाह का मकसद दो शख़्सों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान शोर और बीवी के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनाना है एक ऐसा ताल्लुक बनाना है जो ताल्लुक़ मोहब्बत की बुनियाद पर हमेशा कायम रहे ये है निकाह। अल्बत्ता कभी होता है कि इसमें दुश्वारी आती है कोई मुश्किलात होती हैं जिनकी बुनियाद पर ताल्लुकात बाकी नहीं रह पाते तो अगर ऐसा कोई मसला हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए भी एक सही रास्ता निकाला है अब बाज़ लोग होते हैं जुल्म करते हैं वो गलत है सही रास्ता ये है कि अगर नहीं बन रही है तो तलाक़ का रास्ता है लेकिन तलाक़ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खेल और उसको मजाक का ज़रिया बना ले नहीं तलाक एक ऐसी शय है कि जो परेशानी से निकलने का रास्ता है नए के किसी को परेशान करने का जरिया है इस फ़र्क को समझे इस्लाम ने कभी आपको तलाक देने पर उभारा नहीं है इस्लाम ने हमेशा आपको रिश्ता बना कर रखने पर उभारा है तो इस फर्क को समझे बाज लोग इस फर्क को नहीं समझते हैं तो इस्लाम में तलाक़ के निज़ाम पर उंगलियां उठाते हैं फ़र्क यह है कि इस्लाम ने निकाह की तरगीब दी है और उसको बाकी रखने के जराए बताए हैं और उस पर सवाब और उसको किस तरीके से बाकी रखा जाए तमाम तुरुक बताए हैं अलबत्ता तलाक पर उभारा नहीं है तलाक देने की इजाजत दी है जब नहीं बन पा रही हो तब इस तलाक के बाद इद्दत आती है औरत कुछ महीने और कुछ दिन इद्दत गुजारती है इद्दत का जो बुनियादी मकसद है वो ये कि औरत के बारे में ये समझ में आ जाए ये मालूम हो जाए कि वो हमल से है या नहीं है इद्दत की कई एक किस्में हैं एक होती है इद्दत उस औरत की जिस औरत को एक या दो तलाक पड़ी हो और एक होती है इद्दत उस औरत की जिसको तीन तलाकें मिल गई हों और एक इद्दत होती है शोहर के वफात की इद्दत इन इद्दत के अहकाम और उसके सिलसिले में के कब आप निकाह का पैगाम भेज सकते हैं कब नहीं भेज सकते हैं उस ताल्लुक से इस किस्त में बातें आएंगी इद्दत में निकाह हराम है और इसकी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है वाला अजीम निकाह निकाह का जो एक बंधन है उस बंधन का अज़म या फिर उसको कहते हैं कि किसी से वादा वईद ना करो ना वादा वईद करना है कि मैं तुमसे निकाह लाज़िमन कर लूंगा नहीं निकाह करना है दोनों हराम है अल्लाह आलमीन ने इस आयत के ज़रिए या आयत के इस टुकड़े के ज़रिए इद्दत के अंदर इन दोनों अमूर को हराम करार दिया है तो निकाह करना इद्दत के अंदर हराम है और सख्त दर्जे का हराम है अब्दुल इबिन आब्बलबर फरमाते हैं कि हर रमल्ला अकदा निकाहा ही फिल्द अल्लाह ने इद्दत के इद्दत में निकाह को हराम करार दिया है यानी निकाह का जो एक अक्द होता है जो एक उसके उमूर होते हैं कि निकाह किया जाना उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इद्दत में हराम करार दिया है दलील के तौर पर इस आयत को पेश किया जिसको अभी मैंने पेश किया कि वला ताज़िम उक्दत निकाह हत्ता यबलुग अल किताब अजला फिर फरमाया वलम यख्तलिफ अल उलमा मिन अल सलफ वल खलफ सिलसिले में सलफ और खलफ़ यानी जितने भी उनके ज़माने उलमा हैं सहाबा से लेकर उनके ज़माने तक के किसी भी आलिम ने इस मसले में इतलाफ नहीं किया है यानी इद्दत में निकाह का हराम होना ये इजमाई मसला है इस पर उम्मत है उलमा इस पर मुतफ़ हैं और इत्तेफ़ाक का मतलब ये होता है या इजमा का मतलब ये होता है कि उसकी मुखालफत से गुनाह मिलता है उसकी मुखालफत जायज़ नहीं है क्योंकि नबी अक्रम सरमाया कि इन उम्मीती ला तम मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठी और इतफाक नहीं कर सकती इकट्ठी नहीं हो सकती है इजमा जिस मसले में साबित हो गया फिर वो मसला बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसके खिलाफ जाना गुनाह का काम है हराम है फिर फरमाया कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया निकाह कर लिया तो यू फर रको बिल इतफाक मुतफक अल ये भी मसला है मसला है कि अगर किसी ने किसी से इद्दत में निकाह किया है तो दोनों के दरमिया जुदाई कर दी जाएगी तफरीक कर दी जाएगी तो इद्दत में ना ही निकाह जायज है बिल इजमा यह जायज नहीं है और अगर किसी ने निकाह कर लिया है तो बिल इत्तेफाक और बिल इजमा ऐसे शख्स और उसकी बीवी के दरमियान जो अभी बीवी नहीं बनी है हकीकतन जिससे निकाह हुआ है उसके दरमियान तफरीक कर दी जाएगी चुनाचे जा इस सिलसिले में इमाम मालिक ने मुअत्ता में एक रिवायत नकल की है एक असर नकल किया है सुलेमान इब्ने यसार बयान फरमाते हैं अन्न तुलहतल असदिया कान तहत रुशैदिन सकफी फतल्लका फरमाते हैं कि तुलहा अल असदिया ये एक खातून का नाम है वो रुशैद अस्सकफी के जिम्मे में थी यानी वो उनकी बीवी थी

उस खातून को असदिया को और जिससे अभी शादी हुई थी नहीं दोनों को हजरत उमर कोड़े से पिटाई लगाई कोड़ा लगाया कई कोड़े मारे और फिर उसके बाद रावी बयान फरमाते हैं वह न हुमा। दोनों के दरमियान तफरीक कर दी दोनों को अलग अलग कर दिया न कहत फी इ्दत जिस किसी औरत ने भी दौरान इद्दत निकाह किया अपनी इद्दत में निकाह किया वह इनका नजोज लदी तजव्व जहा बिहा फुर्रिका बई नहुमा कि अगर निकाह किया और इस नए शोहर ने अगर अभी दुखुल नहीं किया है तो इनका नजोज जुहल लदी तजव्जहा उस शख्स ने जिसने अभी शादी की है नए शोहर ने अभी अगर उससे दखूल नहीं किया है लम्बुल बिहा काफुर रिकबाई नहुमा दोनों में जुदाई कर दी जाएगी सुम्मात बताद्दतिया मिनल अव्वल फिर यह औरत जिसने अभी नया निकाह किया था और दखूल नहीं हुआ था कहा सुम्मा अतद्दत बकी तद्दतीहा मिनल अवल पहले शोहर की जो बाकी इद्दत है पहले शोहर से जो उसको तलाक वाकई हुई थी उसकी जो बाकी इद्दत है वो इद्दत मुकम्मल करेगी सुमान खरु खातिबम खुताब फिर जो ये दूसरा है जिसने निकाह किया था और अभी दुखूल नहीं हुआ था कहा कि फिर उसके बाद जब इद्दत मुकम्मल हो जाए तो ये दूसरे पैगाम देने वालों की तरह एक पैगाम देने वाला होगा लाइन में लगा होगा इमकानदख और अगर हो दु फुर्री कब नुमा दोनों के दरमियान तफरीक कर दी जाएगी दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा सुम्मा इद्दत ही है अमीन अव्वल और अब जो है सबसे पहले वो पहले शोहर की जो इ्जत बाकी है पहले शोहर से तलाक की जो इज्जत या फिर वफात जो भी इ्जत है जो इ्जत बाकी है उस इद्दत की तकमील करेगी सुत मिनल आखर फिर दूसरे शोहर से जो अभी जुदाई उसको मिली है की, की गई है, जो इद्दत अब उस पर वाजिब हुई है वो इद्दत गुजारेगी, इज्जत और अब ये जो दूसरा शोहर है जिसने इद्दत में निकाह किया था वो दोबारा उससे कभी निकाह नहीं कर सकता है। ये जो हजरत उमर का फैसला है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक औरत है जिसने इद्दत में निकाह किया अब दो सूरतें हो सकती हैं मुमकिन है कि नए शोहर के साथ जो एक खास ताल्लुक शोहर अरबी का होता है वो कायम हो गया हो या फिर यह कि अभी वो ताल्लुक कायम नहीं हुआ सिर्फ निकाह हुआ और उसे खबर मिल गई कि यह जायज नहीं है ये दो सूरतें हो सकती हैं खास तल्लुक कायम नहीं हुए सिर्फ निकाह हुआ है और दोनों को पता चल गया या काजी को पता चल गया और दोनों के दरमियान जुदाई कर दी गई तो ऐसी सूरत में औरत पर सिर्फ एक इद्दत वाजिब है और वो है पहले शोहर की इद्दत क्योंकि अभी दूसरे शोहर ने वो ताल्लुक कायम ही नहीं किया है और इद्दत का मकसद ये होता है कि औरत हमल से है या नहीं है ये देखा जाए और अगर दूसरी सूरत है कि दखूल हो गया है खास तल्ल कायम हो गए हैं तो ऐसी सूरत में अब उस औरत पे दो इद्दत वाजिब है ये जो दो इद्दत है पहली इद्दत पहले शोहर से क्योंकि उसकी इद्दत अभी बाकी थी इसने बीच में शादी की है तो जो बाकी अयाम है उसको मुकम्मल करेगी और फिर जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ही फौरन बाद अब वो दूसरी इद्दत जो नए शोहर से उसको अभी जुदाई करवाई गई है वो इद्दत ये मुकम्मल करेगी फिर उसके बाद उमर रजील्ला ने कहा कि अब अगर दखूल हो गया है और खास ताल्लुक कायम हो गए हैं तो इसके बाद ये जो दूसरा शोहर है ये अब उस औरत से कभी निकाह नहीं कर सकता ये जो मसाला है कि दूसरा शोहर अब उससे कभी निकाह नहीं कर सकता इस मसले में सहाब कराम के दरमियान इख्तलाफ पाया गया कि क्या ऐसा शख्स जिसने किसी औरत से इद्दत में शादी की और शादी के बाद खास भी कायम कर लिए क्या ऐसा शख्स जब उसके दरमियान जुदाई दोनों के दरमियान कर दी जाए औरत इद्दत मुकम्मल कर ले इद्दत के बाद वो बिल्कुल फारिग हो जाए तो ये शख्स दोबारा उसको पैगाम भेज सकता है और दोबारा शादी कर सकता है ये सवाल है जवाब यह है कि हजरत उमर रजील का ये फरमान आपके सामने आया कि अब वो कभी भी शादी नहीं कर सकता उस औरत से लेकिन हजरत अली रजी अनहों का फरमान है जो कि मत् में है कि उन्होंने कहा कि, कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ जुदाई डाली जाएगी और फिर जो दूसरा शख्स होगा वो अगर चाहे पैगाम देना शादी करना तो इद्दत गुजरने के बाद शादी कर सकता है मत् में ही इमाम मालिक र्ला ने एक रिवायत नकल की है एक असर नकल किया है जिसमें यह कहा है कि हज़रत उमर रजील्ल्ला ने अपने इस कॉल से कि वो अब दोबारा शादी नहीं कर सकता उस औरत से यानी दूसरा शौहर उस औरत से जिससे उसने इद्दत में किया था और फिर उसके साथ खास त्लुक कायम किए थे उससे अब दोबारा शादी नहीं कर सकता इस कॉल से हजरत उमर रजी ने रुझू कर लिया था और हजरत अली रज्हू के फतवा को मान लिया था ये एक रिवायत है एक असर है कहते हैं कि मालिकुन मालिका أن عمر رضي الله عنه رجع الى قول कौल को तस्लीम कर लिया था उनकी राय को मान लिया था लेकिन इस रिवायत या इस असर की सनद में ज़ाफ़ है ये सनद कमजोर है इसलिए रुजू का मसला तो साबित नहीं है सहाबा के दरमियान दो अकवाल का पाया जाना साबित है अब सवाल यह है कि दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही है जवाब यह है कि दोनों मसला चाहे हजरत उमर रजील का कौल हो या हजरत अली रज का कौल हो दोनों मसला इश्तेहादी है इस सिलसिले में कोई हदीस मनकूल नहीं है और इश्तेहादी मसाइल में तरजीह अगर कोई करता है तो इसका यह मतलब है कि वो उसकी नजर में ज्यादा राजे उस्ताद मोहतरम फजीरतुल सुलेमान सलेमानल हफ़िल्ला ने इस मसले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह रजील्लान्हों के कौल को ज़्यादा करार दिया मतलब ये कि ज़्यादा सही बात यह है कि वो शख्स जिसने किसी औरत से इद्दत के दौरान निकाह किया है और फिर दखूल भी किया है ख़ास तल्लत भी कायम किए हैं तो ऐसा शख्स इद्दत गुजरने के बाद औरत जब दोनों इद्दतें गुजार ले उसके बाद अगर चाहे तो पैगाम भेज सकता है जिस तरह दूसरे लोग पैगाम भेजेंगे ये भेज सकता है फिर फरमाया कि हाँ अगर कहीं कोई काजी है शरी अदालत है और काजी ये ज्यादा मुनासिब समझ रहा है कि ऐसे शख्स को रोक दिया जाए ऐसे शख्स पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो दोबारा निकाह का पैगाम नहीं भेज सकता है तो काजी की राय ली जाएगी क्योंकि इश्तहादी मसले में काजी की राय यानी काजी अगर मसलहत और मफसदत की बुनियाद पर कोई फतवा दे रहा है या कोई फैसला कर रहा है तो उसकी राय इस्तेहादी मसले में ली जा सकती है और दोनों मसाला सहाबा से साबित है तो गर्चे तरजीह किसी आलिम की कोई भी हो लेकिन अगर किसी मुल्क में कहीं कोई काजी है शरी काजी है शरी अदालत है और उसने मेरी या फिर किसी और की तरजीह के खिलाफ राय के खिलाफ कोई फतवा दिया है मसला इश्तेहादी है कोई वाज दलील नहीं है उस मसाले में तो ऐसे मसले में इख्तिलाफ की और दूसरी राय को राजे करने की गुंजाइश बाकी रहती है ये उस्ताद मोहतरम के कहने का मकसूद है इसके बाद जो निकाह के किस्म है वो है बगैर वली के निकाह ये मसला दर हकीकत बड़ा ही संगीन मसला है और आज इस ज़माने में जबकि सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर और इन जैसे दीगर वसाइल जिन्होंने खसूस हमारे नौजवान के जहनों को ख़राब किया है और उनमें भी ख़ास तौर से ख़ीन और लड़कियों के जहनों पर काफ़ी गहरा और खासा असर डाला है वाक़ता इस ज़माने के बड़े फितनों में से एक फितना है उनके अलावा हमारे इस माशरे में पाई जाने वाली वो फिल्में जिनमें आम तौर पर यही सबक पढ़ाया जाता है कि घर से मुखालफत करके वालिदैन की मुखालफत करके माँ बाप को छोड़ करके भाई बहन को छोड़ करके किसी के साथ चली गई और किसी के साथ निकाह कर लिया ये होता तो उन लोगों का एक ड्रामा होता है जो कि एक कहानी खुद से बनाई जाती है फर्जी कहानी होती है हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता खुद ऐसे लोग बयान करते हैं बताते हैं कि ये हकीकत नहीं है ये झूठ है और खुद ये अपने घर में जब इनके घर में कोई ऐसा मसला होता है तो इन्हें तकलीफ होती है लेकिन इन्होंने आवाम को और नई नस्ल को गलत राह पर लगा दिया और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार ये आजकल की सीरियल्स और जो फिल्में हैं वो है आए दिन बेशुमार वाकत होते ही रहते हैं कुछ वाकआत टीवी पर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं बहुत सारे का हमें इल्म नहीं हो पाता है फुला लड़की फुला लड़के के साथ भाग गई फुला ने कोर्ट मैरिज कर लिया फुला ने अदालत में जाकर निकाह कर लिया फुला ने यह कर लिया ये जो मसला है इसको शरीय की रोशनी में समझने की जरूरत है देखिये शरीय ने एक लड़की के लिए ये वाजिब किया है कि जब वो शादी करना चाहे तो अपने वालिद की इजाजत ले और वालिद की इजाजत का होना शर्त है यह भी जरूरी नहीं है कि लड़की वालिद की हर बात को ही माने शादी के मामला में भी लेकिन दोनों की रजामंदी जब होगी तब शादी होगी और इन इस पर तफसीलन बात आएगी लेकिन अभी इतना याद रखें कि शरीयत ने वली की जो कैद लगाई है कि वली की इजाज़त शर्त है ये कैद बड़ी अहम है इससे नई नस्ल को फितने से बचाने में हमें बड़ी मदद मिलेगी और ये कैद हमारी नहीं है ये कैद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है और इस पर के वली शर्त है इस पर इंशा अल्लाह आगे बात आएगी लेकिन अभी मुख्तसर चंद एक बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ नबी अक्रम सलम ने फरमाया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा मरातिन नकहत बगैर इजने वाली यहा जिस किसी औरत ने भी अपने वली की इजाजत के बिना निकाह कर लिया वली मतलब बुनियादी तौर पर वालिद, फादर वालिद साहब की इजाजत के बिना किसी ने निकाह कर लिया किसी भी औरत ने कहा फिकाह हुआ बातिल ऐसी औरत और ऐसी लड़की का निकाह बातिल है बातिल का मतलब गैर मकबूल है निकाह मुनद ही नहीं हुआ फिर कहा फनिका हुआ बातिल फनिका हुआ बातिल तीन बार यह जुमला कहा कि उसका निकाह बातिल है बातिल है बातिल है निकाह मुनद नहीं होगा अब कोई सौ बार निकाह पढ़वा ले खान काबा के इमाम से पढ़वा ले किसी और बड़े शख्स से पढ़वा लेकिन निकाह में अगर वली की इजाजत नहीं है वालिद साहब की इजाजत नहीं है या जो वली है उनके अलावा उनके बाद अगर उनकी इजाजत नहीं है तो निकाह बातिल है दखला बिहा अगर लड़के ने मर्द ने दुखूल कर लिया है निकाह के बाद यानी खास ताल्लुकात कायम कर लिए हैं फल महरूल बिमस मिनफर जी तो चूंकि दुखूल हो गया है खास ताल्लुकात कायम हो गए हैं तो अब औरत को या लड़की को महर देगा लेकिन यह निकाह बाकी नहीं रहेगा इस निकाह को बातिल करार दिया जाएगा और अगर कोई लड़की और लड़का बिलावली के निकाह में साथ रहते हैं खास तल्लु कायम करते हैं उनका साथ रहना हराम है और उनका खास तल्लु कायम करना जेना में शामिल है इसको हल्के में ना ले मतलब जिसका जी आया सर उठाया और दूसरे दिन घर से फिरार होकर अदालत में चलेगा और निकाह कर लिया दीन है या आपने इसे मजाक का और खेल का एक जरिया बना लिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सामने तरीका बयान किया है आप कैसे निकाह करें शर्त है वली की इजाजत उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता जिस तरह वजू नमाज के लिए शर्त है बिना वुजू नमाज नहीं हो सकती उसी तरह वली की इजाजत और खुसूसन अगर वालिद मौजूद है तो वालिद साहब की इजाजत निकाह के लिए शर्त है बिना इजाजत निकाह नहीं हो सकता और अगर जिस तरह कोई बिना वजू नमाज पढ़ेगा और नमाज गैर मकबूल है उसको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी उसी तरह अगर किसी ने बेला वाली निकाह किया है तो उसका निकाह गैर मकबूल है और उसे दोबारा निकाह करना होगा तो इस खतरनाकी को इस सगीनी को अपने जहन में रखें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा कर लिया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यामत के दिन आपको इसकी वजह से अजाब में डाले क्यामत का खौफ रखिए अल्लाह के सामने जवाबदाह होना है आज अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर लेंगे तो आप इस दुनिया में कर सकते हैं हमेशा नहीं रहेंगे मौत आएगी फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल रबुलम के सामने खड़े होकर हिसाबों किताब देना है लिहाजा इससे दूरी इख्तियार कीजिए इन इस ताल्लुक से मजीद बातें अभी और भी हैं हमारे पास हम अगली नशस्त में आपके सामने कुछ और भी बातें इस ताल्लुक से पेश करेंगे हमारे साथ जुड़े रहे सुनते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही राह की हिदायत दे हम तमाम लोगों को गलत आमाल से बचा कर रखे आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलहम्दुलिल्लाह मुंडावली दिल्ली से एक भाई ने इस वीडियो को बनाने में स्पॉन्सर किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें